एक बड़ी सुंदर कथा याद आई भागवत में है। एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानसिक पुत्र। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र पैदा किए थे, चतुर कुमार, चार कुमार, नारद जी, 10 महाजन इत्यादि ऋषि, ये सब मानसिक पुत्र। शत्रुपा और मनु से जो संतानें पैदा हुई, ये मैथुन क्रिया से पैदा हुई। इससे पहले ब्रह्मा जी ने काफी चेष्टा की संसार को फुलफिल करने की, भर देने की संतानों से, मानसिक रूप से, लेकिन उससे असंभव रहा, हो नहीं सका। कुछ पैदा हुए, ज्यादा नहीं। तो फिर महाजन है, उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया, बच्चे पैदा किए, लेकिन प्रथम जो मैथुन क्रिया से संतान पैदा हुई वो मनु और शत्रुपा से हुई। देवहूति मनु और शत्रुपा की बेटी थी जो मैथुन क्रिया से उत्पन्न हुई, और भी ये दक्ष महाराज के पुत्र हुए। दक्ष महाराज से बहुत संतानें उत्पन्न हुई, शंकर भगवान से, ऐसे सृष्टि के महाजनों से संतानें आगे चली। देवहूति माता, कपिल देव भगवान जो 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, उनकी माँ है, वो शत्रुपा और मनु की बेटी है। भागवत में इसका वर्णन है कि मनु और शत्रुपा से मैथुन क्रिया करने से ये जो हम लोग सब आगे आए, मैथुन क्रिया प्रारंभ हुई और बच्चे पैदा होने लगे। इससे पहले ब्रह्मा जी मानसिक रूप से पुत्र और जो भी कुछ पुत्रियां अपने मन से पैदा कर देते, चुटकी बजा के, चतुर कुमार। नारद जी एक बार ब्रह्मा जी के पास चले गए और कहने लगे, पिताश्री, आप तो सदैव ध्यान में मग्न रहते हैं। मैं पृथ्वीलोक पे गया था, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा नारद, क्यों परेशान हो रहे हो? पिताश्री, बात ही ऐसी है, मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने देखा कि पृथ्वीलोक पर एक द्वारकापुरी है जो समुद्र के बीचों बीच बसी हुई स्वर्ण द्वारका है, सोने की बनी हुई। उसमें ये योगी पुरुष रहते हैं कृष्ण नाम के, उन्होंने 16,108 रानियां रख रखी हैं। ब्रह्मा जी कहते, तो इसमें आश्चर्य क्या हो गया? अरे, इस ब्रह्मांड में तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनके हजारों हजारों रानियां हुई है। एक राजा चित्रकेतु थे, उनके 1 करोड़ रानियां थी। तो ये कौन सी आश्चर्य की बात है अगर कृष्ण नाम के योगी पुरुष ने 16,108 रानियां रख रखी है? नारद जी ने कहा, नहीं पिताश्री, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या है फिर नारद, बोलो ना। पिताश्री, मैंने छुपके छुपके देखा कि वो 16,108 रानियों के साथ में वो योगी कृष्ण 16,108 जगह प्रकट होता है, और एक ही समय में और अलग अलग मुद्राओं में किसी रानी के हाथ से भोजन कर रहा है, किसी रानी के साथ में बैठा है, किसी रानी को आलिंगन कर रहा है, किसी रानी की बेणी गूथ रहा है, किसी रानी को फूल पकड़ा रहा है। अलग अलग मुद्राओं में एक ही समय में 16,108 कृष्ण बन के प्रकट होते हैं। मैंने ये बड़ा आश्चर्य देखा, मैंने तो कानों से सुना भी नहीं ऐसा आश्चर्य, आंखों से देखना तो दूर है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा झटका लगा कि क्या कह रहे हो नारद, ऐसा कोई भी मेरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ योगी अपने शरीर को और 8 जगह विभाजित कर सकता है, यानी एक साथ 9 शरीर में प्रकट हो सकता है, एक श्रेष्ठ ग्रेट योगी, ग्रेट मिस्टिक, लेकिन तुम कह रहे हो ये बात तो कोई योगी पुरुष नहीं कर सकता। हां, स्वयं नारायण ये कार्य कर सकता है, तुमने तो मुझे भ्रम में डाल दिया, क्या वो नारायण तो नहीं है?
लेकिन ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। मैं तुम्हारी बात सुनकर के भ्रमित हो गया हूं, मुझे खुद जाना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी द्वारका में आए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड के, और द्वारपाल को बोले कि भैया द्वारकाधीश के दर्शन करने आया हूं, जाकर बोलो कि तुम्हारे दर्शन कर तुमको मिलने के लिए ब्रह्मा आया है, मैं वो योगी पुरुष से मिलने आया हूं, मैं बात तो करूं जरा कि वास्तव में बात क्या है। मैंने दर्शन शब्द बोला, लेकिन दर्शन करने नहीं, मिलने ही आए ब्रह्मा जी, तो दर्शन शब्द को हटा दीजिए। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर के द्वारकाधीश को सूचना देता हूं कि आप मिलने आए हैं। द्वारकाधीश की जय हो। क्या बात है प्रहरी, भगवान आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। कौन से ब्रह्मा? दास का अपराध क्षमा करें, मैं ये तो पूछना भूल गया कि आप कौन से ब्रह्मा हैं, जाओ पूछ कर आओ। तो द्वारपाल ने आके ब्रह्मा जी को पूछा कि द्वारकाधीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोधित हो गए, बोले क्या, कौन से ब्रह्मा है, क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है? अरे ये द्वारपालों की तो अकल ऐसे ही छोटी होती है। ठीक है, इधर आओ, जाकर द्वारकाधीश को बोलो कि सनत कुमार चतुर कुमारों के पिता श्री चतुर्मुखी ब्रह्मा आए। ठीक है, द्वारपाल ने जाके बोला कि भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा आए, चतुर कुमारों के पिता श्री, ओ उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाओ। भगवान का व्यवहार परम व्यवहार है, परमेश्वर है, उनका व्यवहार भी परम है। वो उन्होंने व्यवहार किया, ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया और खड़े हो गए अपने आसन से, हाथ जोड़ करके, आइए ब्रह्मा जी आसन ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी तो गुस्से में थे कि आगे पूछा क्यों कि कौन से ब्रह्मा। कहा कि नहीं, मैं आसन तब तक ग्रहण नहीं करूंगा, मैं आसन जब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम मैं आसन तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे यह नहीं बता दो कि तुमने द्वारपाल से क्यों पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, क्या मेरे सिवा कोई और ब्रह्मा भी है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा, ऐसे ही मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बस ब्रह्मा जी इतनी सी बात के लिए इतने गुस्सा कर रहे हो, पूछना ही चाहते हो तो मैं अवश्य बतला दूंगा। बोला यस, मैं पूछना ही चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कोई और भी ब्रह्मा है। बड़ी बेइज्जती करते हो दूसरे की, दरवाजे पर आए हुए कि कौन से ब्रह्मा आए। ठीक है ब्रह्मा जी, मैं आपको अवश्य इसका जवाब दूंगा। भगवान ने जो अपना योग हाथ फैलाया हवा में और एक दूसरे ब्रह्मा वहां प्रकट हो गए। ये ब्रह्मा के 10 मुख थे और अगले क्षण एक ब्रह्मा और प्रकट हो गए जिनके 100 मुख थे। ब्रह्मा ब्रह्माओं को इशारा मिल गया, अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को इशारा मिल गया द्वारकापुरी में आने का। यह दिव्य लीला है, मूर्ख कैसे समझेगा। अवजानंती माम मूढ़ा, मूर्ख लोग कैसे समझेंगे इसको, भगवान की दिव्य लीला। भगवान की भगवान ने निमंत्रित आमंत्रित किया, आह्वान किया तो ब्रह्मा वहां आने लगे। तो वह 100 मुख वाले ब्रह्मा आए और 1000 मुख वाले ब्रह्मा आए और 10,000 मुख वाले ब्रह्मा आए और 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा भी वहां आए और 10,00,000 मुख वाले भी ब्रह्मा वहां पर आए। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 1,00,00,000 मुख वाले ब्रह्मा भी वहां पर आके उपस्थित हुए और सभी ब्रह्मा
अपने अपने पार्षदों के साथ हंसों के ऊपर बैठकर आए और हंसों से उतरकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गोविंद आदि पुरुषम तमा अहम भजामि, हे गोविंद आदि पुरुष नारायण, हम आपका भजन करते हैं। ये अनंत ब्रह्माओं को देख करके ये चतुर्मुखी ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई, घबरा उठे और गिड़गिड़ाने लगे और मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान ने सभी ब्रह्माओं की भगवान स्तुति की, ब्रह्माओं को जाने का आदेश दिया। कोई नहीं है इस समय, ब्रह्मा जी मूर्छित पड़े हैं चरणों में, चतुर्मुखी ब्रह्मा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी उठो। ब्रह्मा जी को होश आया और उठे, हाथ जोड़े, गिड़गड़ाते कांपते हुए, ये क्या, ये जो मैंने अभी देखा, ये विभिन्न ब्रह्मा और हजार लाख करोड़ों मुखों वाले, ये क्या सत्य है भगवान, ये मेरी आंखों का भ्रम है, ये भी मुझे बतला दीजिए, ये सत्य है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ये सत्य है, ये परम सत्य है, ये भौतिक सृष्टि में बड़े बड़े ब्रह्मांड है जहां पर मुझे ब्रह्माओं की आवश्यकता होती है, सृष्टिकर्ता, 84 लाख योनियों को रचने वाला ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड जिसमें आप रह रहे हैं सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसमें मुझे चतुर्मुखी ब्रह्मा की ही आवश्यकता पड़ती है, आप हैं, बाकी और भी ब्रह्मांड है जहां कहीं मुझे 1000 मुख वाला, 1 लाख मुख वाला और 10 लाख मुख वाला और 1 करोड़ मुख वाला भी ब्रह्मा चाहिए। ये विस्तार वाले ब्रह्मांड है, तो आप इसमें इतना शोक मत करिए। मैंने पूछवाया द्वारपाल से, वो ठीक ही पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा है, क्या चतुर्मुखी या 100 मुखी या 1000 मुखी, तो आप इतने आग बबूला हो गए। तो ये ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना की कि मुझे मेरा अपराध, महान अपराध क्षमा कर दो। एक अपराध मैंने आपका जप किया था जब आप 5 वर्ष की अवस्था में बछड़े चराने जाते थे वन के अंदर वृंदावन में, तब मैं आपके बछड़े और ग्वालों को चुरा के ले गया था, एक अपराध तो मैंने वो किया था और ये और एक महान अपराध कर बैठा मैं, मुझे क्षमा कर दो। और मुझे क्यों ब्रह्मा के पद पर बिठाया है, वो रजोगुणी पद है, मुझे तो कोई कहीं छोटे मोटे घर में या पृथ्वी लोक पर जन्म दे दो, ब्रज के अंदर जन्म दे दो, कुछ नीच परिवार में भी जन्म दे दो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपसे अलग हो गया हूं, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। भगवान तो सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण की है उन्होंने, वो अगली कथा आगे जाती है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये कल्पादो विसर्जाम्यम, तो ये बार बार सृष्टि होती है, प्रलय होती है, ब्रह्म ज्योति है, अनंत वैकुंठ जगत है, परम धाम मेरा धाम, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको, मैं इनमें नहीं हूं, मैं अलग हूं इनसे, ये सब मेरी रचना है, फिर भी मैं इससे अलग हूं, मैं सब प्राणी मात्र के हृदय में हूं, फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूं, परमात्मा स्वरूप से मेरे अंश एक्सपेंशन, पार्टली इनकार्नेशन विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, सब प्राणी मात्र के हृदय में है, मैं फिर भी अलग हूं। मेरी योग शक्ति तो देख अर्जुन, मेरा योगम ऐश्वर्यम, योग का ऐश्वर्य तो देख अर्जुन, अवजारंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, ये मूर्ख लोग नहीं जानते जब मैं कि ये मेरा जो शरीर है
ये लगता तो मनुष्य जैसा है, कि मैं मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूं, जैसा शरीर में मनुष्य है मैंने मनुष्य को भी ऐसा शरीर दिया जो मेरा खुद का शरीर है, फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे नकारते हैं, मुझे नहीं जानने की कोशिश करते, इतनी मूर्छा में जीवन जीते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम्, क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य जैसे शरीर में ही मैं भी रहता हूं। परम भाव अजान, मेरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कोई है इस संसार में जिसकी भावना परम भावना हो? सुप्रीम कॉन्शियसनेस, या कॉन्शियसनेस? लोग तो कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, अनकॉन्शियस जीवन जी रहे हैं, मूर्छा में जीवन जी रहे हैं, फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती? सुपर कॉन्शियसनेस भी नहीं है, सुपर कॉन्शियस में भी परमात्मा विष्णु आते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, यच्चक्षुर एष सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेज, यश्च आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। यच्चक्षुर एष, ये यूनिवर्सल भगवान का विराट स्वरूप है, ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, मानुषम शरीर नहीं है, व्यक्तिगत रूप नहीं है, ये यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान की, क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान विष्णु बैठे हैं, जैसे आपका शरीर है उसके अंदर आप खुद बैठे हैं, आपकी आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, ये भी भगवान का ही क्षेत्र है, यहां भी भगवान है, तो फिर यूनिवर्स के अंदर भी भगवान है, यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान कहते हैं कि जो सूर्य है ये मेरा एक नेत्र है इस विराट रूप के अंदर, इस सूर्य के सामने सारे देवता लोग सुरमूर्ति अशेष तेज, देवता लोग भी फीके पड़ जाते हैं, चंद्र तारे सब फीके पड़ जाते हैं, ये सारे ग्रह बृहस्पति शनि बुध बुध मंगल इत्यादि सब फीके पड़ जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, ये मेरा एक नेत्र मात्र है यूनिवर्सल फॉर्म में, ऐसे अनंत यूनिवर्सल शरीर है भगवान के विराट स्वरूप, इनमें अनंत चक्षु हैं भगवान के। भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि हे गोविंद, आपके ये विराट स्वरूप के चक्षु, सूर्य के सामने ही सारे देवता फीके पड़ जाते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र फीके पड़ जाते हैं। ये चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त, सारे राजा ब्रह्मांडों के सब फीके पड़ जाते हैं, राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज, यश आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो। और इसमें वास कर रहे भगवान विष्णु की आज्ञा से सारा काल चक्र घूम रहा है, सारा यूनिवर्स घूम रहा है सुचारू रूप से, हम जिंदा है, हमारा प्लानेट जिंदा है, उनकी इच्छा से समृद्ध सर्वेंट की तरह कार्य कर रहा है सारा ब्रह्मांड अपनी स्थिति में रह करके। यच्चक्षुर एष सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज,
यश आज्ञा भ्रमति संभृत कला चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। हे गोविंद, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको भजते हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनु महाश्रितम परम भावम न जानंतो, परम भाव अजानंतो, नहीं जानते मेरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, मेरी परम भावना को। ये मूर्ख लोग, ये मूर्छित लोग, ये अज्ञानी लोग नहीं जानते। कि मैं कौन हूं? मैं भी मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूं। दो ही सुंदर मेरे हाथ हैं, दो पैर हैं, दो नेत्र हैं, शीश पर मोर मुकुट है, हाथों में मुरली है, जैसे मैक्सिकन लोग मुरली बजाते हैं, और भी अनेक मुरली बजाते हैं। उनके हाथ में भी मुरली है, उनके भी हाथों में 10 उंगलियां हैं, पांव में 10 उंगलियां हैं। सेम डिक्टो कॉपी, मनुष्य का शरीर है उनका, अपने शरीर के जैसा ही ये मनुष्य को शरीर दिया। खुश होकर के ये 84 लाख योनियों में होकर के निकल रहे हैं, अब इनको एक मेरा जैसा शरीर में प्रदान करूं। तो मूर्ख लोग इस बात को नहीं पहचानते और कहते हैं कि अरे ये कोई राजा के पुत्र होगा या कोई योगी पुरुष होगा, हम क्यों पूजा करें, हम क्यों उनका नाम जप करें। आए चले गए, कितने आए हैं कितने चले गए, राम हुआ, लक्ष्मण हुआ, कृष्ण हुआ, बलराम, ये सब राजाओं के बेटे रहे होंगे या कोई महान पुरुष रहे होंगे, अच्छे काम किए होंगे। ये भगवान कृष्ण के वाक्यों को मूर्ख लोग नहीं जानते कि भगवान क्या कह रहे हैं। और बहुत से कहेंगे कि नहीं वो निराकार है, बहुत से नहीं, तुम निराकार का भजन करो, तुम देवताओं का भजन पूजन करो, वो मना नहीं कर रहे, तुम भूत प्रेतों का पूजन करो, भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की वाणी को भी तलवार लेके काट देने वाले मूर्ख लोग तैयार है। फिर कहते हैं कि हमने गीता पे भाष्य लिखा है, गीता पे, गीता की हमने कमेंट्री दी है, हम फिलोसफर हैं, हम डिग्री होल्डर हैं, कितने खिताब हमने जीते हैं, हम विद्वान हैं शास्त्रार्थ, शास्त्रों के हम इलाइटेंड हैं, प्रकाशमान हो गए हैं, हजारों लाखों हमारे शिष्य हैं, अब हम गीता पे कमेंट्री लिखेंगे, गुरुजी की कमेंट्री। झूठे गुरुओं की, आडंबरियों की, मूर्खों की, मूर्छितों की, ऐसे लोगों की व्याख्याओं की वैल्यू नहीं बल्कि पॉइजन है वो गीता के अंदर। भगवान ने कितने सरल हृदय से सभी बात कही है हम सबसे, अर्जुन के माध्यम से, कि मूर्छित लोग मेरी परम भावना को नहीं पहचानते, मैं परमेश्वर हूं। परम भावना परमेश्वर के पास होती है और उस परमेश्वर से मिलना है तो उस भक्त को भी शुद्धतम भावना पर जाना पड़ता है, तब कहीं मिल पाता है। परम धाम में जाने वाले की भावना भी परम होनी चाहिए, इतना ऊंचा लेवल होना चाहिए, तब वहां पहुंच पाता है। भगवान के स्थान को तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन भगवान के चरणों में तो बैठ सकता है, भगवान को आलिंगन तो कर सकता है, भगवान से वार्तालाप तो कर सकता है, भगवान को जल अर्पण तो कर सकता है, कर सकता है। लेकिन मूर्छित लोग कैसे करेंगे, वो तो जानते ही नहीं अपने आप को भी कि हम कौन है। अपने आप को जान जाए तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जीवरो स्वरूप है नित्य कृष्णदास,
इस जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण का दास बने रहने में है, इसका ये असली स्वरूप है। और हम देखते हैं अपने रूप को शीशे में, ये हम ये हैं, बड़े रूपवान हैं, ऐसी हमारी मूछें हैं, ऐसी दाढ़ियां हैं, चौड़े कान हैं, ये रूप नहीं है आपका। आप सोचेंगे ये मेरा हमारा रूप है, नहीं, ये तो शरीर का रूप है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आपका स्वरूप तो सच्चिदानंद है, और सदैव कृष्ण का दास बना रहना आपका स्वरूप है, इससे अन्यथा नहीं। फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां लो, फिलोसफर बनो या मनोवैज्ञानिक बनो, इससे भगवान समझ में नहीं आते, नहीं, उनके शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी वाणी में श्रद्धा होनी चाहिए। ये भागवत गीता एज इट इज 5300 वर्ष पहले भगवान की मुखारविंद से निकली, वो आज चली आ रही है। ये श्लोक जैसे थे वैसे के वैसे हैं, एक शब्द भी इधर से उधर हो नहीं सकता करेक्शन, क्योंकि कंठस्थ है, हजारों लाखों भगवान के भक्तों की कंठस्थ है, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता कोई, गड़बड़ नहीं कर सकता बदमाश आदमी, ये एज इट इज है, भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुं आश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, मेरा ये श्री विग्रह शरीर जिसमें मैं द्वापर में भी था, ये महाईश्वर का शरीर है, ये भौतिक शरीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में थे, ये द्वारकाधीश थे, तो उनका शरीर हमारा जैसा नहीं था, लगता तो हमारा जैसा था, मनुष्य का शरीर जैसा, लेकिन उनकी उनका श्री विग्रह हमेशा स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, इसलिए वो सदैव 16 वर्ष के ही अवस्था में नजर आते थे द्वारका। बाल लीलाएं भी करी, वो शरीर के अंदर तो बड़े क्वालिटीज है, गुण है, वो तो किसी भी रूप में रूप बना ले, वो शरीर आध्यात्मिक शरीर है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है, बस ब्लड बॉन्स का नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कि हमारे जैसा ही है। देवकी के पुत्र बने नंद के घर पलते हैं, वेदों के ऋषियों ने कृष्णा बताए हैं, वही श्याम सुंदर कन्हैया कहाए हैं, गोविंद तेरी जय जय, गोपाल तेरी जय जय, हे बाके बिहारी नंदलाल तेरी जय जय, गोविंद तेरी जय जय, गोपाल तेरी जय जय। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये मूर्छित लोग मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मैं इनके जैसे शरीर में, मनुष्य जैसे शरीर में ही रहता हूं, मेरा शरीर, मेरा ओरिजिनल रूप ग्वाले का है, और वो मनुष्य का शरीर है, ये भगवान का स्पिरिचुअल शरीर है, और परम रूपवान है, उनके रूप से किसी का रूप नहीं मिलता है, उनके नेत्रों से किसी के नेत्र नहीं मिलते हैं, उनके रंग से भी किसी का रंग, उनके शरीर के अंग प्रत्यंग और रंग ये बड़े अद्भुत हैं, इसलिए उनको यहां भी द्वापर में भी जो कोई भी देखता था वो मोहित हो जाता था उनकी तरफ, भक्ति भावना से ईर्ष्या जलन से देखते थे, वो उनके विरोधी हो जाते थे, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस इत्यादि। जिन्होंने उनके रूप के दर्शन किए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनका जन्म सफल हो गया, वो उनके धाम के वासी बन गए।
चाहे वो युधिष्ठिर महाराज हो, यहां तक भी दुर्योधन का भी कल्याण हो गया, वो भी